देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण और जिस तरह से स्मॉग की स्थिति है उसको लेकर लगातार दिल्ली की सरकार पड़ोसी राज्य हरियाणा और पंजाब में किसानों द्वारा जलाए जा रहे पराली को इसका कसूरवार और इसके ऊपर इल्ज़ाम डालती है। लेकिन पंजाब के कांग्रेसी सांसदों का ये कहना है कि दिल्ली में जो प्रदूषण की स्थिति फ़िलहाल है उसके लिए पराली को और ख़ासतौर से पंजाब के किसानों को इसका इल्ज़ाम देना गलत है, क्योंकि खुद केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ये कहा है कि दिल्ली में जो प्रदूषण की स्थिति है उसके लिए 95% दिल्ली के भीतर यानी दिल्ली के अंदर जो स्थिति है, चाहे वो ऑटोमोबाइल से हो या फिर जो इंडस्ट्रीज़ है उसको लेकर या जो कूड़े की स्थिति है उसको, वो उसके लिए जिम्मेदार है, ना कि हरियाणा या पंजाब के किसान। पंजाब के कांग्रेसी सांसद डॉक्टर अमर सिंह ने कहा है कि चाहे वो IIT कानपुर का रिसर्च हो या खुद केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का ये बयान, इससे साफ दिखाता है कि दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण की स्थिति के लिए पंजाब के किसानों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती और इसको सिर्फ पराली से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। बेहतर होगा कि दिल्ली सरकार ये देखे कि दिल्ली में बढ़ते वाहनों की स्थिति और वाहनों से होने वाले प्रदूषण या फिर जो दूसरे और कारण है उसकी तरफ ध्यान दे और उसको ठीक करने की कोशिश की जाए। देखो, ये तो बहुत अफसोस की बात है कि दिल्ली सरकार, जिसको सारी जानकारी है कि जो यहाँ पोल्यूशन होता है ये नवंबर में, अक्टूबर के एंड नवंबर में, दिसंबर में, इसका रीजन जो है वो दिल्ली के अंदर के कारण है। अभी 15 अक्टूबर को हमारे केंद्रीय जो मंत्री हैं एनवायरमेंट के, श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि 95% इंटरनल कारण है। IIT कानपुर की स्टडी है, दिल्ली की स्टडी है, अपना सीरी की स्टडी है, सबकी स्टडियां हैं भाई, नीरी की, वो सब क्या कह रहे हैं कि मेन रीजंस आर डेली ओन और परमानेंट है। यहां 35 से 40% तो रोड डस्ट है, 20% यहां 15 से 20% इंडस्ट्री का है, गार्बेज का है, ऑटोमोबाइल्स का है, गाड़ियां सारे हिंदुस्तान की यहां चलती हैं, तो इसलिए वहां से भी थोड़ा बहुत धुआं आता होगा, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन पंजाब कोई मेन रीजन नहीं है। बीच में हरियाणा नहीं है, अपने दिल्ली के अपने गांव नहीं है, उनमें नहीं पराली जलती है। हरियाणा हमारा पहला गांव 220 किलोमीटर है, तो मतलब ये पहले 200 किलोमीटर का कुछ नहीं है और 225 किलोमीटर से धुआं शुरू हो गया। हर साल दिल्ली की सरकार लगातार इस बात का इल्ज़ाम लगाती रही है कि खासतौर से पड़ोसी राज्य हरियाणा और पंजाब से जो पराली जलाया जाता है उसकी वजह से खासतौर से नवंबर, अक्टूबर या दिसंबर के महीने में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, और इसको लेकर लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कहते रहे हैं कि वो पड़ोसी राज्यों से बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस के शासित राज्य पंजाब की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पराली ही एकमात्र कारण नहीं है जिसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण इस मौसम में बढ़ता है, इसके लिए दिल्ली के भीतर जो कारक हैं, जो कारण हैं, उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। अजय झा, गो न्यूज़।